5400 अरब यानी 5,40,000 करोड़ रुपए एक साथ अदा करने का मंसूबा बनाया था। तस्वर कीजिए जनाब स्पीकर, क्या पूरी डोमेस्टिक मनी मार्केट एक ही बार इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कर सकती थी? बिल्कुल नहीं। हम इस बहुत बड़ी कर्ज अदायगी की रकम को टुकड़ों में बांटकर हुकूमत और मकामी मार्केट के लिए काबिल अदायगी बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, बजटरी एलोकेशन की चीदा चीदा बातें बताने से पहले मैं आपको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स का एक जायजा पेश करना चाह रहा हूं। अब मैं बजट की खसूसी इकदामात बयान करूँ। रवा माली साल में FBR के रेवेन्यूज 6,000 अरब रुपए होंगे, जिसमें सूबों का हिस्सा 3,512 अरब रुपए रहा। वफाक का नेट रेवेन्यू 3,803 अरब रुपए रहा। वफाक ही हुकूमत का नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,315 अरब रुपए होने की तवक्को है। कुल अखराजात 9,118 अरब रुपए होंगे। PSDP 550 अरब रुपए होंगे। डेट सर्विसिंग की मद में, जैसा मैंने कहा, 3,144 अरब रुपए खर्च होंगे। डिफेंस पर 1,450 अरब रुपए खर्च होंगे। फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात 530 अरब रुपए, पेंशन पर 525 अरब रुपए और सब्सिडीज की मद में 1,515 अरब रुपए खर्च होंगे और ग्रांट की मद में 1,090 अरब रुपए खर्च होंगे। जनाब स्पीकर, अगले साल FBR के रेवेन्यूज का तखमीना 7,004 अरब रुपए है, जिसमें सूबों का हिस्सा 4,100 अरब रुपए होगा। वफाकी हुकूमत के पास नेट रेवेन्यू 4,904 अरब रुपए होगा, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2,000 अरब रुपए होंगे। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है, जिसमें डेट सर्विसिंग पर 3,950 अरब रुपए खर्च होंगे और अगले साल PSDP के लिए 800 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मुल्क की दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए, सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब रुपए होंगे। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ग्रांट की सूरत में 1,242 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें BISP, बैतुल माल और दीगर महकमों की ग्रांट्स शामिल हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। जनाब स्पीकर, अब मैं अपने पसमानदा और गरीब बहनों और भाइयों के लिए किए जाने वाले इकदाम का जिक्र करता हूँ। इनके लिए हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुख्तस रकम में इजाफा किया है, जो 2021-22 में 250 अरब रुपए थी। 2022-23 के बजट में ये रकम को बढ़ाकर 364 अरब रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 12 अरब रुपए की रकम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में पूरे साल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।